हेलो फ्रेंड्स, एक्स्ट्रा माइंड यूट्यूब चैनल की ओर से आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, कॉमन सेंस एंड डबल मीनिंग की एक और नई वीडियो आप सभी के सामने उपलब्ध है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपके सामने तीन सवाल होंगे और प्रत्येक सवाल का जवाब देने के लिए आपको सिर्फ 5 सेकंड मिलेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आपका पहला सवाल। किस वर्ष में महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था? तो फ्रेंड्स, अगर आपको यहाँ पर मालूम है तो नीचे कमेंट बॉक्स दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर टाइप करें। देखते हैं यहाँ पर आपके पास कितनी नॉलेज है। अगर आपको मालूम है तो थोड़ा जल्दी, और दोस्तों अगर आपको मालूम नहीं तो आप वीडियो को लगातार देखते रहिए, यहाँ पर मैं आपको जवाब आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर इसका सही जवाब है सन 1869 इस वर्ष में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंवारे और शादीशुदा लोग भी बिना कसूर किए ही माफ़ी मांगते हैं, बताओ किससे? चाहे कुंवारा हो चाहे फिर शादीशुदा, तो लोग जो हैं बिना कसूर किए हुए ही माफ़ी मांगते हैं किसी आदमी से, तो आपको बताना होगा कि वो आदमी कौन है, वो कैसा है जिससे वे माफ़ी मांगते हैं। तो अगर आपको मालूम है तो नीचे कमेंट बॉक्स दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर हमें टाइप करके ज़रूर बताएं। देखते हैं यहाँ पर आपके पास कितनी नॉलेज है। सिर्फ आपको इसका जवाब देना होगा 5 सेकंड में ही। अधिक समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं या फिर आप हमारे जवाब का इंतज़ार करें। तो थोड़ा जल्दी करें, अगर आपको मालूम है तो थोड़ा जल्दी करें, ठीक है ना। अब आप लोग अपने जवाब से हमारे जवाब का मिलान कर लें। यहाँ पर इसका सही जवाब है भिखारी से कुंवारे और शादीशुदा लोग बिना कसूर के ही माफ़ी मांगते हैं भिखारी से। जी हाँ, क्योंकि भिखारी तो बोल देता है भाई भीख दे दो, ठीक है ना, आप समझ गए हो काफ़ी अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, ऐसी कौन सी चीज़ है जो पैदा होते ही बिना पैरों के उड़ना शुरू कर देती है? देखिए फ्रेंड, जो क्वेश्चन है डबल मीनिंग का क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको बुरा मानने वाली कोई बात नहीं, सिर्फ आपके इंटरटेनमेंट और आपकी नॉलेज को ग्रो करने के लिए ही बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर आपको इसका जवाब देना होगा 5 सेकंड में ही। और मैं फिर बोल रहा हूँ आपको यार, यहाँ पर बुरा मत माने, नहीं नाराज़ हो भैया, क्योंकि सिर्फ आपके इंटरटेनमेंट के लिए बनाया जाता है। और अगर आप लोगों ने इस वीडियो को अभी तक भी लाइक नहीं किया तो आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि लाइक करने से थोड़ा क्या होता है, हम लोग मोटिवेट हो जाते हैं और इस तरह के आपके लिए वीडियो रोजाना लेकर आते रहते हैं फिर। तो चलिए यहाँ पर इसका जवाब आपको मैं बताने वाला हूँ। यहाँ पर इसका सही जवाब है ताज़ी हवा। ऐसी चीज़ है जो पैदा होते ही बिना पैरों के उड़ना शुरू हो जाती है। जी हाँ, मैंने आपसे पहले ही बोला था, आप इस तरह के क्वेश्चन से अपना एंटरटेनमेंट कर सकते हैं, अपनी नॉलेज को बढ़ावा दे सकते हैं। अगर आप किसी के भी साथ इस तरह के क्वेश्चन को शेयर करोगे, उसके पहले ही बता दें कि भैया डबल मीनिंग का क्वेश्चन है, अच्छे से समझना, तो वो भी एक दफ़े को बोलेगा कि वाह क्या क्वेश्चन था। तो अगर आपको ये वीडियो चुना सभी अच्छा लगा तो यार प्लीज़ वीडियो को लाइक बटन जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें। और रोजाना इसी तरह की मज़ेदार वीडियो देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा माइंड को सब्सक्राइब जरूर करें। बाजू में बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।